इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 अक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे जो फिजिकल एविडेंस हैं ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर 5 आरोपी पकड़े गए इनसे पूछताछ में क्या बताया उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धाराएं हैं वो 279 304A 304 120B अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम इसमें आगे जो भी सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं 5 एक्यूज्ड हैं वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और पांचवा मिथुन। 5 अभियुक्त हैं अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। सर बताया जा रहा है कि कहां से आ रहे हैं इन्होंने, क्या बताया ये पांचों आरोपी कहां से आ रहे थे, क्या मूर्थल से आ रहे थे और लड़की कहां से आ रही थी, कहां काम करती थी, कहां ड्राइव किया गया, सर ये भी बता दीजिए। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सर ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को, बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखे तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है, क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा? सर देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है, जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है, रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया, फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए, स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है, क्या नशे में थे, आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या इसका पुलिस मान रही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नेग्लिजेंट की वजह से ही टेस्ट हुई है? एविडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है, उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा, तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्कूटी मिली थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या कर रहे हैं उनको अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा, हमारी मल्टीपल टीम जिसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें जो सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस कार्यरत रहेगी।